सम्मानित साथियों, मन की बात करने के लिए आपके बीच में आया है। यहां कोई चुनाव लड़ाने के लिए कोई सभा संबोधित नहीं हो रही, यहां केवल आपके हक और हुकूम की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग एकत्रित हो जाइए और संघर्ष करिए ऐसी तानाशाही सरकार को जो आपके हक को छीनने का काम करती है। साथियों, कि किसान की आय दुगनी होगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसान को उनकी लागत मूल्य मिलेगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पे चल रही है। जो सरकार किसानों का ऋण माफ नहीं कर सकती, किसान कर्ज के बोझ में लदकर आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन यह सरकार जू नहीं रेंग रही है। आपने देखा 13 महीने का बड़ा आंदोलन हमारे नजदीक गाजीपुर, किसान मजदूरों को उनके हक और अधिकारों के लिए रहा, लेकिन देश की तानाशाह सरकार ने किसान मजदूर की बात नहीं सुनी। किसान जब उग्र हुआ, उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली में प्रवेश करने जाएंगे, ये सरकार में दम हो तो हमें रोक के दिखाए। साथियों, जब देश की सरकार के मुखिया को अपनी पुनः बात को दोहराना पड़ा कि कहीं नहीं किसान की जो है सोच को, किसान की बात को मुझे जो बड़ी भूल हुई है मेरे से। साथियों, हम आपके बीच में एक चीज और बता देना चाहते हैं। जो देश में सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उस राजनीति का जवाब भारतीय सोशलिस्ट मंच आपके बीच में देने के लिए आया है। जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, जो देश में नफरत का माहौल पैदा करकर, उन्माद पैदा करकर इस देश की सत्ता पर काबिज होते हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि देश नफरत से नहीं, भाईचारे से चलेगा, संवाद से चलेगा, सद्भावना से चलेगा। जो देश में नफरत का माहौल पैदा कर इस सत्ता पर बैठे हैं, यह आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे सवाल करें कि जो सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, कितने रोजगार आपने दिए, कितने लोगों को स्थापित किया, यह आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथियों, जिस तरीके से सरकारें लड़ाकर उन्माद पैदा करकर इस देश में सत्ता पर बैठी है, उनके हक हकूम और जनता के हकूम और हकूम की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सोशलिस्ट मंच आपके बीच में आया है। भारतीय सोशलिस्ट मंच का एक एक सिपाही अभी आपके बीच में बहुत ही मजबूत संघर्ष के साथ ही भाई चरण सिंह राजपूत ने अपनी बात रखी। ये जो देश में नफरत का पैदा और भारतीय सोशलिस्ट मंच अपनी विचारधारा पर कामयाब हो नहीं होने देगा। हमारे बीच में बहुत बहुत मजबूत साथी बैठे हैं, उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हर गुलाब। जय जवान।